इस तो मैं लेके आ गया हूँ नहीं मैथ की वीडियो, आपको एलसीएम सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए वहाँ 105 है, तो सबसे छोटे संख्या से मतलब सबसे छोटे नंबर से इसको काटा जाता है कि कितनी टाइम से कटेंगे। तो मैं 3 से काटता हूँ क्योंकि 5 3 से बड़ा है, 3 से 1 कट सकता है। तो 3 से 1 कितनी बार में कटेगा? ऐसे 3 से 35 बार में कटेगा। तो पहले हमें यहाँ लिखना है 3 और यहाँ लिखना है 35। अब 3 से 35 नहीं कटता गाइस, तो 5 से 35 कटता है। 5 7 35 होता है। अब 7 गाइस 7 से ही कटेगा, तो यहाँ पर हम 7 लिख के यहाँ पर 1 लिख देते हैं क्योंकि कट गया। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे ये फैक्टर फैक्टर ऑफ 105 इज, इसी को गाइस हम यहाँ पर उतार लेंगे। बस 20 में टाइम्स वाला लगाना, मतलब 3 मल्टीप्लाई 5।